गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्टेड इन द रशिया एंड व्हाट वेयर द चेंजेस केम आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ द सोशलिज्म आइडियाज स्प्रेड इन यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। Socialism ideas started to spread in different parts of Europe, and this ideas were attracted many peoples of the world. The citizens of many countries were totally affected and impressed by the ideas of socialism. So, to spread the socialist ideas, the socialist people formed a organization that is known as the Second International. This organization was formed to spread the ideas of socialism in different parts of Europe, and many workers of union were created and founded. These association of workers were united and they come together to help the workers in bad situation or in bad conditions. जो workers थे, जैसा कि आप जानते हैं कि maximum जो problems related थी रशिया में या यूरोप में, वो workers के साथ थी। तो वर्कर्स लोगों ने अपना एक यूनियन बनाना स्टार्ट किया, अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, और इस ग्रुप के मेंबर्स जो है बाकी वर्कर्स की हेल्प करते थे किसी भी बैड सिचुएशंस में। अमॉन्ग देम द मोस्ट फेमस एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड लेबर पार्टी फॉर्म्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो वर्कर्स का ग्रुप था, जो एसोसिएशन था, इन लोगों ने मिलकर के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और लेबर पार्टी के नाम से जो है ये पॉलिटिकल पार्टियां इस्टेब्लिश हुई जिनको वर्कर्स का पूरा सपोर्ट हासिल था। इसके साथ साथ दीज एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स कलेक्टेड द मनी टू हेल्प द वर्कर्स इन डिफिकल्ट टाइम्स। जब भी कोई डिफिकल्ट टाइम्स आती थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आती थी, उस दौरान वर्कर्स की हेल्प करने के लिए ये सारे मेंबर्स एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स दे कलेक्टेड द मनी, पैसा इकट्ठा करते थे और उस फंड्स को जरूरत के समय जो वर्कर्स होते थे डिफिकल्ट टाइम्स में उनको क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, आप देखते हैं जो वर्कर्स की या लेबर्स यूनियन होती है, तो उस दौरान अगर किसी भी वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम होती है तो सारे वर्कर्स एक साथ आकर के स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो इन द सेम सिचुएशन द डिफरेंट एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स वी आर फाउंडेड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप टू हेल्प द वर्कर्स इन डिफिकल्ट टाइम। इसके साथ साथ जो वर्कर्स की यूनियन थी, दे वर डिमांडिंग टू रिड्यूस द वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। इसके साथ साथ ये जो ट्रेड यूनियंस थे, जो वर्कर्स यूनियंस थे, ये वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने के लिए भी फोर्स कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, और वेजेस को इंक्रीज करने की, बिकॉज इन दैट टाइम द वर्किंग आवर्स वी आर वेरी लॉन्ग, ऑलमोस्ट 15 आवर्स, 15-15 घंटे तक की वर्किंग आवर्स होता था, जिससे जो है वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी बैड थी। इसलिए वो डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और जो वेजेस मिलते हैं उसको इंक्रीज किया जाए। ये सच है कि कई सारे यूनियंस बने, कई वर्कर्स के सपोर्ट से पॉलिटिकल पार्टियां बनी, बट द एनी ग्रुप ऑफ कंजर्वेटिव लिबरल्स आर रेडिकल्स कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट इन एनी कंट्री ऑफ यूरोप। इनकी संख्या बढ़ रही थी, यूनियंस बढ़ रहे थे, सपोर्ट बढ़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये किसी भी कंट्री में अपनी कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सके। बट इट इज़ राइट दैट दे कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, बट विद देयर सपोर्ट द मेनी पार्लियामेंट्री सीट्स वेयर विन बाय द सपोर्टिंग पार्टीज ऑफ दीज वर्कर्स। सो देयर आइडियाज स्टार्टेड टू सेव इन लेजिस्लेशन, मीन्स इनकी जो डिमांड थी, इनसे रिलेटेड जो मुद्दे थे, वो जो है पार्लियामेंट में डिस्कस किए गए, बिकॉज जो पार्टीज विन हुई उनको इन वर्कर्स का सपोर्ट था, तो इनकी जो डिमांड थी वो जो है अब पार्लियामेंट में लोगों के बीच में डिस्कस होने लगा। तो सोशलिज्म जो था एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए, जैसे आप फिगर देख रहे हैं, इन दिस फिगर हियर द पीपल्स आर सपोर्टिंग टू ईच अदर, दे आर ज्वाइनिंग द हैंड्स टू सपोर्ट द अदर्स। इन द सेम वे द सोशलिज्म आइडियाज स्टार्टेड टू स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब अगर हम बात करते हैं रशियन एम्पायर की, इन 1914, एट द पीरियड ऑफ 1914 द रशियन एम्पायर वॉज रूल बाई जार निकोलस सेकेंड, एंड दैट टाइम एज यू नो वेरी वेल दैट रशिया इज ए वेरी लार्ज एरिया,
द प्रेजेंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुएनिया, इस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, ऑल दीज एरियाज वी आर द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर एंड ऑल्सो द प्रेजेंट डेज सेंट्रल एशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे एरियाज जो थे ये सब रशियन एम्पायर के अंडर में आते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एम्पायर था रसिया का इन 1914। अब अगर हम बात करें वहाँ पर रहने वाले लोगों के रिलीजन्स की, स्पेशली द मेजोरिटी रिलीजन वाज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो मेन रिलीजन था, जो मेजोरिटी थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। इसके साथ साथ कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, सम मुस्लिम्स एंड ऑल्सो द बुद्धिस्ट, इतने तरह के लोग, इतने धर्मों के लोग उस रशियन एम्पायर में पाए जाते थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ रशिया। जैसा कि हमने देखा कि रशिया का एम्पायर इतना बड़ा था, अगर हम उसकी इकोनॉमी की बात करें, द रशिया वाज ए बेस्ड इकोनॉमी ऑन द एग्रीकल्चर। 85% ऑफ रशियन इकोनॉमी वाज सस्टेन्ड बाई द एग्रीकल्चर, मीन्स द मैक्सिमम पीपल्स ऑफ रशिया वी आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर बाई प्रोड्यूसिंग द फूड ग्रेन्स, दे गॉट द मनी, द इनकम ऑफ पीपल्स एंड ऑल्सो द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। इंडस्ट्रीज वी आर वेरी फ्यू एंड प्राइवेट, इंडस्ट्रीज जो थी उनकी संख्या कम थी इन स्टार्टिंग, और जो भी इंडस्ट्रीज थी वो मैक्सिमम कैसी थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, मीन्स टोटली बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट सिस्टम। इन 1890s व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क, जब रेलवे नेटवर्क बढ़ा, रेलवे ट्रैक वहाँ पे बिछाया गया रसिया में, उसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ। रेलवे नेटवर्क बढ़ने से साथ साथ ट्रेड जो था वो इंक्रीज हुआ और न्यू इंडस्ट्रीज भी आर इस्टेब्लिश्ड एंड द विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज, द न्यू इंडस्ट्रीज भी आर इस्टेब्लिश इन द रसिया। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इंडस्ट्रीज भी आर प्राइवेटली ओन, मैक्सिमम प्रॉफिट गोज टू द फैक्ट्री ओनर्स और इंडस्ट्रियल ओनर्स। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ऑफ रसिया वी आर प्राइवेटली ओन एंड लार्ज फैक्ट्रीज वी आर अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन। जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, और जो इंडस्ट्रियल के इंस्पेक्टर्स आते थे इंस्पेक्शन करने के लिए, जो गवर्नमेंट्स की टीम आती थी सुपरविजन करने के लिए, वो भी जो रूल्स बनाए जाते थे गवर्नमेंट्स द्वारा उसको ब्रेक होने से रोक नहीं पा रहे थे। दैट इज द रीजन द लार्ज वर्किंग आवर्स एंड द फैक्ट्री रूल्स वी आर ब्रोकन इन द क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप। जैसे सपोज दैट द गवर्नमेंट्स रूल दैट वर्किंग आवर्स शुड बी 10 to 12 आवर्स। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का रूल था कि 10 to 12 आवर्स वर्किंग आवर होना चाहिए, बट इन इस वर्कशॉप्स हियर द पीपल्स हैव टू डू द वर्क ऑफ 15 आवर्स, तो एक तरह से रूल्स का ब्रेक हुआ। जो गवर्नमेंट्स के रूल्स थे कि हाँ वर्कर्स को ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इन मैक्सिमम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज दीज फैसिलिटीज वी आर नॉट गिवन टू द वर्कर्स। दैट इज द रीजन द वर्कर्स वी आर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड द फैक्ट्री ओनर्स एंड सोशलिज्म आइडियाज वी आर टोटली सपोर्टेड टू द वर्कर्स। ये टोटली सपोर्ट करते थे कि वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव होना चाहिए। अगर हम बात करें रशियन इकोनॉमी की, जैसा कि हमने देखा कि मैक्सिमम पीपल्स आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, 85% ऑफ रशियन इकोनॉमी वाज टोटली सस्टेन्ड बाय द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो द विद द वर्कर्स द पीजेंट्स एंड फार्मर्स वी आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पर्सन टू प्ले द रोल इन द इकोनॉमी ऑफ रशिया। सो दिस इज द इकोनॉमी ऑफ रसिया एंड दिस इज द असाइनमेंट बेस्ड ऑन टूडेज वीडियो। हु वॉज द रूलर ऑफ रसिया इन 1914, मैंसन द रीजन्स इंक्लूडेड इन रसियन एम्पायर। रसियन एम्पायर्स में वो कौन कौन से रीजन्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नेम से जाने जाते हैं। नेम द रिलीजन्स प्रैक्टिस इन रसियन एम्पायर। रसियन एम्पायर में कौन कौन से रिलीजन्स के लोग रहते थे। एक्सप्लेन द हाउ वर्कर्स वी आर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स। वर्कर्स को कैसे डिवाइड किया गया था डिफरेंट सोशल ग्रुप में, ये आपको लिखने हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट्स एंड नोबल्स, दिस क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो
आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट्स एंड नोबल्स एंड ऑल्सो द कंडीशंस दैट राइज द रिवोल्ट इन द रसिया. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.